नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल FTS टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम आपको 12 वोल्ट की बैटरी रिपेयर करना सिखाएंगे कि कैसे उसे रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो आज हम इसी को रिपेयर करके दिखाएंगे। सबसे पहले इसको अच्छी तरह आप धो लें अपनी बैटरी को, नॉर्मल वाटर से आप अच्छी तरह उसे धो लें। देखिए, बैटरी को आप बिल्कुल अच्छी तरह से धो लें। अब बैटरी धोने के बाद आपको इनके जो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो टर्मिनल है उनको साफ़ करना है। आप पीलर जो प्लास होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इनको साफ़ करने में। इन पे कार्बन आ जाता है, इसी वजह से कई बार बैटरी चार्ज नहीं हो पाती। आपको इन दोनों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। ये देखिए, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आपको भी इसी तरह से इन्हें अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। ये देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल को बिल्कुल साफ़ कर लेना है आपको, और फिर इन्हें दोबारा धो लेना है। अब आपको इनके जो बैटरी के जो ये कैप है ये आपको हटा देनी है। किसी में दो कैप होती है, इसके नीचे छह सुराख होते हैं और किसी में छह कैप भी लगी हुई होती है। तो आप इन कैप को हटा के पहले जो तेजाब होता है बैटरी में वो निकाल दें। ध्यान रखें कि वो आपकी स्किन को टच ना हो, वरना आपकी स्किन भी जल सकती है। तो आपको बड़ी ही सावधानी से इस तेजाब को अच्छी तरह से निकाल देना है बैटरी में से, और हो सके तो आप इस तेजाब को कहीं बाहर ही डालें। इसको आप अच्छी तरह से साफ होने के लिए उल्टा ही रख दें। और कुछ समय बाद जब ये अच्छी तरह साफ हो जाए तो इसके अंदर आपको डिजिटल वाटर डालना है, जो कि बैटरी के लिए स्पेशल आता है। इन्वर्टर बैटरी की शॉप होती है, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये देखिए, बैटरी बिल्कुल खाली हो चुकी है। हमने इसका तेजाब है वो निकाल दिया है। अब इसमें डालेंगे डिजिटल वाटर। मैंने इसमें डिजिटल वाटर लिया हुआ है, ये 5 लीटर की पैकिंग आती है, वो लाया था मैंने, वो इसके अंदर रिताई हुई है। अब इन जो 6 पॉइंट है इनमें ये पानी भरूंगा मैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लगभग सभी पॉइंटों में पानी कर दिया है। आपको भी ऐसे ही सभी पॉइंटों में पानी डालना है। ध्यान रखिए कि पानी इतना ही रहे कि वो ऊपर ना आ सके, मतलब आपकी मतलब बैटरी के जो पॉइंट होते ये सुराख होते हैं उससे लगभग 1 इंच नीचे ही रहे, और जो प्लेट होती है उससे तकरीबन आधा आधा पौना इंच ऊपर रहे, और सभी पॉइंटों में एक लेवल पर ही पानी डालें। किसी में कम किसी में ज़्यादा मत डालें। और फिर इन कैप को वापस लगा दें। अब आपको ये बैटरी कनेक्ट करनी है चार्जर के साथ। मेरे पास ये चार्जर है,
12 वोल्ट बैटरी का, देखिए मैं आपको मल्टीमीटर से चार्जर चेक करके दिखा रहा हूँ। 12 वोल्ट बैटरी चार्ज करने का चार्जर है ये, मैंने डीसी पे मल्टीमीटर सेट किया है। अब देखिए ये, देखिए हमारा जो चार्जर है वो 13 वोल्ट, तकरीबन 13 वोल्ट से थोड़ा ऊपर दे रहा है, जिसका मतलब सही चार्जर सही है। मतलब कि ध्यान रखिए दोस्तों कि चार्जर होगा वो बैटरी अगर 12 वोल्ट की है तो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा तो ही आपकी बैटरी चार्ज हो पाएगी। अब मैं इस चार्जर की वायर बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। आपको इसे कनेक्ट करके लगभग 3 से 4 घंटे चार्ज पे लगा देना है, और 3 से 4 घंटे चार्ज होने के बाद फिर आपको ये बैटरी पूरा बैकअप देगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।